पाठशाला शुरू करना अपने आप में एक बड़ा टास्क था, तो इसकी हमने शुरुआत करते हुए हमने शुरू में एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें हमने अराउंड 35 स्टूडेंट्स हमें मिले। इसमें हमने फिर हम सबकी फैमिली से बात की और फिर टीम ने मिलके सारा का सारा पाठशाला का सिलेबस डिसाइड किया, सारा टेन्योर डिसाइड किया। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, इसके एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बाद आनी थी। लाइक सबसे बड़ा जो इशू हमारे सामने आया वो था जगह का, कि हमें कहाँ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं दूर पाठशाला लगाते हैं तो मे भी बच्चे ना आ पाए, और वो फिर शायद बिल्कुल ऐसे ही हो जाता जैसा कि अगर उन्हें किसी हम स्कूल में एडमिशन दिला देते और वो दूर नहीं जा पाते, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था उतना उस टाइम पर। पर उसके बाद हमने पाठशाला यहीं लगाया, और इसके बाद भी छोटी छोटी चीज़ें हमने फेस की। लाइक स्टार्टिंग में बच्चे भी कम आते थे, पर हल्के हल्के जैसे जैसे हमने अपने टीचिंग मेथड्स को और इम्प्रोवाइज़ किया और बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप किया, उनकी फैमिली से बात की, तो हल्के हल्के करके चीज़ें चेंज हुई। फिर बच्चों ने इम्प्रूव करना शुरू किया। लाइक यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि राधिका है, कलिका है और भी है। तो इन्हें देखते हुए, इनका इम्प्रोवाइजेशन देखते हुए हमने स्टार ऑफ द वीक्स बनाने शुरू किए, और फिर स्टार ऑफ द वीक से और इन लोगों में थोड़ा ये कॉम्पिटिटिवनेस आई और इन लोगों ने और सीखना चाहा, तो इम्प्रोवाइज होते होते बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पाठशाला की शुरुआत हम लोगों ने 3 महीने पहले 6 मई 2017 को की थी, और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था यहाँ के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में एनरोल करना। अब ये बच्चे एजुकेशन सिस्टम में एनरोल क्यों नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि एजुकेशन से एज सच कोई प्रॉफिट नहीं है इनका, ना ही इनकी फैमिलीज़ को एज सच कोई प्रॉफिट दिख पा रहा था। तो बच्चों को एनरोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उनके लिए उनके अंदर एक एजुकेशन का इंटरेस्ट जगाना, जिसके लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया। और अगर इस प्रोजेक्ट की अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि 3 महीने पहले यहाँ पर 35 स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे जो एक्चुअली में स्कूल जाने लायक थे, बट उसमें से सिर्फ 10-12 ही बच्चे थे जो स्कूल जाते थे। एंड आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स जो लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, उसमें से हमने पिछले 3 महीने में 16 स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में एनरोल करा दिया है। तो ये एक तरीके की अचीवमेंट है जो इस 3 महीने के मिनी प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर की है। जब हमने पाठशाला की स्टार्टिंग करी तो स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों को कुछ नहीं आता था, इसके वजह से हमें बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि एटलीस्ट बच्चों को समझाने के लिए उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि हम उन्हें समझना कैसे। हमने इसके साथ साथ क्रिएटिविटी की क्लास रखी, जिसमें हमने डांस, आर्ट, क्रिएटिविटी एंड म्यूज़िक कराया, और इससे बच्चों में इंटरेस्ट आया। इसके साथ साथ हमने मॉरल्स एथनिक की क्लास रखी, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट जागे। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है, सबकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है, सब अपने अपने स्किल्स दिखाते हैं, जैसे कि कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है। बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया, बच्चे पहले बहुत हमारा करते सब जैसे कि जब से लोग पढ़ाने आए हैं तो बच्चे पढ़ाई में लगे, सेवन कर सकते अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों ने मेहनत खूब वसूल खुद मन से पढ़ाया, उन्होंने बच्चों को बच्चे से पढ़ने लगे और बच्चों का नाम भी स्कूल में इधर देख के बोलो, इधर देखे मेरा नाम है अक्षरा, मुझे पाठशाला में पढ़ के बहुत मज़ा आया, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मुझे टीचर। और फोकस हमारा यही है कि बच्चे को एजुकेशन इंटरेस्टेड लगनी चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रॉपर 4 दिन वीक में क्लासेस देते हैं,
और एक दिन प्रॉपरली इनका इनके क्रिएटिव इंटरेस्ट के लिए रखते हैं, जहाँ पर जिसमें बच्चा अपने डांसिंग के लिए कुछ पूछता है या आर्ट के लिए कुछ पूछता है या सॉन्ग्स के लिए कुछ पूछता है। तो पाठशाला एक छोटे से आइडिया से एक प्रोजेक्ट बनने में उसको ये लगभग 3 महीने का टाइम लगा, और आगे फ्यूचर में हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी मुरादाबाद की और अलग अलग जगहों पर ऐसे ही स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए पाठशाला स्टार्ट की जाए, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर लगता है कि स्कूल्स बहुत पास में है, लेकिन फिर भी बच्चे वहाँ पर नहीं जा पाते हैं बिकॉज दे डोंट थिंक के एजुकेशन में ऐसा उनका कुछ प्रॉफिट है। और साथ के साथ हमने फैमिलीज़ को भी इस लेवल पे मोटिवेट किया है कि वो लोग अब इस प्रॉफिट वाली चीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें।